वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस। स्टूडेंट्स, हम लोग केमिस्ट्री में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात हो रही थी। ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ट्रेंड्स, जिसके अंतर्गत हम लोग बायोलॉजी और एटॉमिक साइज की ट्रेंड्स इन पीरियड इन ए ग्रुप के बारे में स्टडी किया, जाना समझा। आज हम लोग एक नए ट्रेंड्स, मेटेलिक ट्रेंड्स की चर्चा करते हैं। तीसरी मेटेलिक प्रॉपर्टी या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी की बात करते हैं। कैसी मेटेलिक ट्रेंड्स या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ट्रेंड्स इन ए ग्रुप इन ए पीरियड चेंज होगी? तो सबसे पहली चीज हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या है। हमें यह पता है कि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। तो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिफाइन किया क्या क्या किया जाता है बाबू? टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लॉस की जो टेंडेंसी होती है वह इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। तो जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की ट्रेंड्स होगी बाबू, वही मेटेलिक कैरेक्टर की भी ट्रेंड्स होती है। चलिए बात करते हैं इन्हें ग्रुप में इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, ग्रुप में इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की चर्चा करते हैं कि इन्हें ग्रुप इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ट्रेंड्स क्या है। ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ट्रेंड्स के लिए क्या है कि न्यूक्लियस टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना वीकर होगा उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को वह डोनेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लॉस करेगा। मीन्स दैट दूसरी तरह से कह सकते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज में इंक्रीज होने के कारण इंटर न्यूक्लियर चार्ज की जो वैल्यू होगी न्यूक्लियस टू बैलेंस सेल वो डिक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? आसानी से डोनेट करेगा। मीन्स इन ए ग्रुप इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी नेचर इंक्रीज, इन ए ग्रुप इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी नेचर इंक्रीज डाउन ए ग्रुप, इंक्रीज डाउन ए ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। कहा गया इन्हें ग्रुप इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी नेचर इंक्रीज करता चलेगा डाउन ए ग्रुप, ग्रुप में नीचे आने की कार, नीचे आने पर क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज में इंक्रीज होने के कारण। ग्रुप में किसी भी ग्रुप की बात कर ले, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, सभी में जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी नेचर होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। समझिएगा, जैसे एक सेल है तो उसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इस बैलेंस सेल के बीच डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस कम होने के कारण इंटरमॉलिक्यूलर चार्ज
के द्वारा जो फोर्स अप्लाई होगा उस फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। लेकिन जब इसके एटॉमिक साइज मीन नंबर ऑफ सेल में इंक्रीमेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर जाएगा बाबू, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाने के कारण न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल मीन एटॉमिक साइज इंक्रीज होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू, न्यूक्लियर चार्ज के द्वारा अप्लाई किए जाने वाले फोर्स की वैल्यू घट रही। फिर ऐसे जब थ्री सेल हो जाएंगे, थ्री सेल के एटम हो जाएंगे तो उनकी एटॉमिक साइज और भी इंक्रीज हो जाएगी। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने के कारण उनके न्यूक्लियर चार्ज के द्वारा अप्लाइड फोर्स की वैल्यू और भी कम हो जाएगी। मीन्स इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या होगा, लॉस हो सकता है, क्योंकि इनके बीच जो फोर्स है न्यूक्लियर टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स, वह बैलेंस टू फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मिनिमम होता जा रहा, डिक्रीज होता जा रहा। ड्यू टू डिक्रीजिंग इन फोर्स एटम्स या आयन एलिमेंट लूज द इलेक्ट्रॉन इजिली। एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से अपनी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, मीन्स इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा वो। ठीक, तो एक आ गया इन ए ग्रुप इलेक्ट्रो पॉजिटिव इंक्रीज डाउन ए ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो जब इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर इन ए ग्रुप डिक्रीज हुआ तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी बाबू, डिक्रीज कर गई। मेटेलिक प्रॉपर्टी भी क्या कर गई, डिक्रीज कर जाएगी मेटेलिक प्रॉपर्टी भी इन ए ग्रुप, क्योंकि मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होंगे, मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। मतलब मेटल को डिफाइन किया गया है इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज कर रहा है डाउन ए ग्रुप, देयर फोर मेटेलिक प्रॉपर्टी आल्सो बी इंक्रीज डाउन ए ग्रुप। अब बात करते हैं इन पीरियड, इन ए पीरियड की बात करते हैं, तो इन ए पीरियड समझिएगा, इन ए पीरियड इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन ए पीरियड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीज, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू किसके कारण बाबू, ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। कागज ने पीरियड, पीरियड मीन्स क्या बोला गया है, हॉरिजॉन्टल रोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जो हॉरिजॉन्टल रो है वो क्या कहलाते हैं, पीरियड कहलाते हैं। लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल रोज क्या कहलाते हैं, पीरियड कहलाते हैं बाबू। तो कहा गया ये पीरियड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीज करेगी, एक पीरियड में इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी, ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक साइज बताया गया हमको कि डिक्रीज करता है। क्लास छूट गए तो एटॉमिक साइज टेंस आप सर्च कर लीजिए अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको वहां एटॉमिक साइज के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि एटॉमिक साइज है क्या, एटॉमिक साइज का ट्रेंड्स कैसे, इन्हें ग्रुप इन्हें पीरियड बताया गया। तो बच्चों क्लास समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि अभी तक लाइक नहीं किया हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है, आप सभी हमसे जो साथी जुड़े हुए हैं जो नहीं भी जुड़े हैं वो भी जुड़ जाए, सब्सक्रिप्शन ले लें अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस की, और आपको पूरी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्लासेस साइंस की प्रोवाइड कराती जा रही है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो इन्हें पीरियड कहा गया कि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या करेगी बाबू, डिक्रीज कर रही है, क्यों,
अब देखिए बात कैसे एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा किसी पीरियड में, मान लीजिए सेकंड पीरियड है तो सेकंड पीरियड में क्या बनेंगे, दो सेल बनेंगे। सेकंड पीरियड में कितने सेल बनेंगे, दो ही सेल बनेंगे सेकंड पीरियड में। तो जब दो ही सेल बनेंगे तो उनकी एटॉमिक साइज कैसे घट रही है, उनकी एटॉमिक साइज कैसे घट रही है, बात यह है। तो एटॉमिक साइज घटने का रीजन क्या बताया जाता है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज फ्रॉम गोइंग टू लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम गोइंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ चलने पर एटॉमिक साइज क्या होती है, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज टू द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ने के कारण बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स की वैल्यू होगी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे मीन्स आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होने के कारण वह इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है। तो जब अपनी तरफ को पुश करता है, खींचता है, तो उसकी एटॉमिक साइज क्या होती है, घटती जाती है, सेल क्या हो जाती है, स्मॉल होती जाती है। तो ये कहा गया कि न्यूक्लियर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीज फ्रॉम गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब जब इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीज हुआ तो मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टी आल्सो भी डिक्रीजेज, मेटेलिक प्रॉपर्टी आल्सो भी डिक्रीजेज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मेटेलिक प्रॉपर्टी आल्सो भी डिक्रीजेज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बच्चों क्लियर आई बस में, तो यहां देख सकते हैं आप लेफ्ट टू राइट चलने पर जैसे सेकंड पीरियड की बात कर ले, लिथियम बेरिलियम आपके मेटल है, लेकिन बोरान क्या हो गया, मेटलाइड हो गया, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन यानी क्या हो गए, नॉन मेटल हो गए। फिर थर्ड पीरियड की बात कर ले तो सोडियम हो गया, क्या हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया मेटल हो गया, एल्यूमिनियम मेटल हो गया, लेकिन सिलिकॉन मेटलाइड्स हो गए, फॉस्फोरस नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, आर्गन नॉन मेटल हो गए। तो इस तरीके से किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेज इन ए ग्रुप, टॉप टू बॉटम मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेज, जिस ट्रेंड में मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी उसी ट्रेंड में इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी भी का भी ट्रेंड डिफाइन होगा, क्योंकि मेटल सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव है नीचे। तो बच्चों क्लास कैसी लगी निश्चित ही बताइएगा, कमेंट करिएगा। फिर आगे हम लोग अगले क्लास की तरफ बढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।